दोस्तों सपना दिखाया गया था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। सत्ता में बैठे लोगों ने तालियां बजाई थी और शायद सुनने वालों ने भी तालियां बजाई थी, क्योंकि एक ऐसा सपना था जिस सपने को पालना शायद सत्ता की जरूरत थी और इस देश के व्यापारियों की जरूरत थी, इस देश के कॉरपोरेट्स की जरूरत थी, इस देश के पैसे वाले लोगों की जरूरत थी। लेकिन एक के बाद एक निर्णय जिस तरीके से भारत को मौजूदा वक्त में लाकर खड़ा कर चुके हैं, उसमें अब सवाल सिर्फ महामारी भर का नहीं है। उसमें सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल के बेड नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है, और इन सारी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर कोई अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन उस पर रोक टोक लगाने की परिस्थितियां भी नहीं है। परिस्थितियां कितनी विकट हो गई है, हमें लगता है आज आपको महामारी से हटकर जरा इस देश के आर्थिक हालातों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि वह बेरोजगारी पूरे चरम पर है। इस देश के भीतर में बैंकों को खोखला जो किया जा रहा है वह भी चरम पर है। इस देश के भीतर में भविष्य निधि में जो पैसा रखते हैं वह भी, भविष्य तो दूर की बात है, सिर्फ तत्काल में जीवित रह जाए इसके लिए भविष्य निधि से पैसा यानी पीएफ से पैसा निकालने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इसी दौर में बैंक से जिन पैसे वालों ने लोन लिया उन्होंने लोन नहीं लौटाया, उनकी तादाद भी बढ़ गई। और इसी दौर में सरकार ने जो बैंकों के द्वारा दिया गया लोन था उसको रिटर्न ऑफ यानी माफ करने की परिस्थितियों में भी चरम की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी। इसी दौर में मनरेगा तक में काम नहीं है। इसी दौर में बेरोजगारी का आलम इतना बड़ा हो चला है कि दुनिया के मानचित्र पर जब आप बदलाव को लेकर अपनी दृष्टि डालेंगे तो शायद इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी किसी भी देश में सत्ता को पलट देती है। लेकिन यह देश लोकतांत्रिक है, इस देश के साथ जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक ऐलान किया जाने की परिस्थिति और उस पर तालियां बजाना, और तालियां बजाने के लिए मीडिया चाक चौबंद व्यवस्था लगातार करता है। तो हमें लगता है कि आज पन्ने दर पन्ने खोलने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि इस देश की जीडीपी के बराबर ही भारत पर कर्ज है। 99% कर्ज कल्पना के परे है, जितनी जीडीपी उतना ही कर्ज। जब महामारी नहीं आई थी 2019 में अगर आप चले जाइएगा, उस समय भारत की जीडीपी के मुकाबले भारत पर कर्ज 72-74% था। जब महामारी की पहली लहर आई उस वक्त यही कर्ज बढ़कर लगभग 89-90% तक पहुंच गया। लेकिन आईएमएफ ने अपने तौर पर यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपने तौर पर माना कि भारत अपनी इकोनॉमी को रिकवर करेगा, और बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता था हम वी शेप में हैं, नीचे गए हैं तो ऊपर भी उठेंगे। और आईएमएफ ने भी कहा कि ठीक कह रहे हैं, आपका जो कर्ज है आप पे वह 90-80 तक आ जाएगा। लेकिन 2 हफ्ते पहले या कहें अप्रैल के 2-3 हफ्ते में आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर हैं पाउलो मौर्या, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जानकारी दी कि भारत की इकोनॉमी रिकवर कर पाने की स्थिति में नहीं है और यहां पर जो कर्ज है वो 99% तक 2021 के अंत तक चला जाएगा, यानी देश की जितनी जीडीपी उतना ही कर्ज भारत पर। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि यह स्थिति इस देश के भीतर में आ कैसे गई? क्या महामारी के वक्त ही सारी परिस्थितियां पैदा हुई है या उससे पहले से चली आ रही थी? क्योंकि जब नोटबंदी की गई तो तालियां हर किसी ने बजाई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस देश में नोटबंदी के बाद इस देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पटरी पर कौन लाएगा? जब जीएसटी का जिक्र पार्लियामेंट में दूसरे सूरज के उगने के समान किया गया तब भी किसी ने नहीं सोचा कि जब जीएसटी इस देश में अलग अलग स्लैब में लागू होगी तो इस देश के व्यापारियों का क्या होगा, उनके बाजार, उनकी व्यापार को पटरी पर कौन कैसे लाएगा? इस देश के भीतर में जब लॉकडाउन भी किया जाता है पहले दौर में, उस वक्त भी किसी ने नहीं सोचा कि आप ऑफ तो कर देंगे, ऑन कैसे करेंगे? शायद मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री समझ गए हैं इस देश को ऑफ करना आसान है लेकिन इस देश को ऑन करने का हुनर हमारे पास है नहीं, तो फिर मुश्किल होगी। और यही मुश्किल कमोवेश बीते 7 बरस से हर परिपेक्ष में सामने निकल कर आई है। लेकिन जरा देखिए 2020 मार्च के बाद से लेकर अभी तक की परिस्थितियां, 1 साल के वक्त में क्या कुछ हो गया।
सिर्फ इस प्रोसेस को अगर आप समझना चाहते हैं तो जरा दिल पर या कलेजे पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि स्थिति वाकई इतनी डामाडोल है कि आप परिस्थितियों को बिना इस देश को समूचे लॉकडाउन में लाए बगैर इस देश को आप ऑफ कर चुके हैं, और उसको ऑन में कौन लेकर आएगा? क्या कोई 2024 में लेकर आएगा? अर्जेंटीना और ब्राजील की जो स्थिति है मार्केट इकोनॉमी के मातहत, उसी की कैटेगरी में भारत भी आकर खड़ा हो चला है। यह है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का आकलन भारत को लेकर अपने तौर पर कर्ज के मद्देनजर। लेकिन हमें लगता है कि इसके ठीक समानांतर आम लोगों की परिस्थितियों को भी अब समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी दौर में, सिर्फ इस एक साल के दौर में, बैंक मर्जर जो किया गया उसकी 2118 बैंक की शाखाएं बंद हो गई। किसी ना किसी की नौकरी गई होगी, जो दिहाड़ी पर होगा उसकी नौकरी भी गई होगी, लेकिन बेफिक्र है यह देश। 1 करोड़ से ज्यादा सीधे सीधे लोगों का रोजगार छिन गया, जिसमें 75 लाख लोग व्हाइट कॉलर थे। जी, ऑर्गेनाइज सेक्टर के व्हाइट कॉलर 75 लाख, हम सिर्फ इसी दौर का जिक्र कर रहे हैं। इसी के पैरेलल में लगभग 1 करोड़ 35 लाख अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रोजगार पाए हुए लोगों की नौकरी चली गई इसी दौर में। 41 करोड़ लोगों पर सीधा असर पड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से चेतने की स्थिति नहीं आई, क्योंकि वह ऑफ करना जानती है, ऑन करना नहीं जानती है। इस देश को कैसे ऑन किया जाए, यह हुनर उसके पास नहीं है। 19 करोड़ लोगों की आय इस दौर में गिर गई। बेफिक्र है सरकार क्या? 10 करोड़ से ज्यादा लोग कर्जदार हो गए। बेफिक्र है सरकार क्या? बैंकों के भीतर पहली बार जिनके अकाउंट थे उनकी संख्या बढ़ गई विलफुल डिफॉल्टर के तौर पर, यानी पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं आपको जो कुर्की करनी है कर लीजिए, हम पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है। और इनकी तादाद 12,917 है सिर्फ 2020 के दौर में, जब हम लोग कोविड से दो दो हाथ कर रहे थे, इसी दौर की स्थिति है। और जो रकम है वो 2,44,602 करोड़ की है, जो बैंकों को चूना सिर्फ इसी एक बरस के भीतर लगा है। इतना ही नहीं, जो पीएफ से पैसा निकाला जाता है, पीएफ से पैसा निकालने की तादाद जो है इस तेजी से बढ़ती चली जा रही है कि आज की तारीख में जो भविष्य निधि का पैसा वहां पर जमा था उनकी संख्या लगभग 1,40,00,000 से ज्यादा हो गई। यह 1,40,00,000 वैसे लोग हैं जिनकी 15,000 रुपए से कम की कमाई है। 15,000 रुपए से ज्यादा की कमाई वालों की संख्या भी तकरीबन 1 करोड़ को छू रही है। पीएफ से निकाले जा रहे पैसों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, और पहली वेव और दूसरी वेव अगर दोनों को मिला भी दीजिएगा तो तकरीबन यह 55 से 60 हजार करोड़ रुपया लोगों ने निकाला है, क्योंकि जिंदगी चलानी है। पहले वेव में रोजगार गया था, दूसरे वेव में दवाई चाहिए, अस्पताल चाहिए, वैक्सीन चाहिए, बेड चाहिए, इसके लिए भी पैसा चाहिए। सवाल 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल भर का नहीं रहा है। इस देश के भीतर में पीएफ का पैसा लोग निकाल रहे हैं, इलाज हो सके, जिंदगी बच सके। यानी जो सरकार ने अपने तौर पर ऐलान किया था 5 लाख का इंश्योरेंस, जो प्रधानमंत्री के नाम पर किया गया था, वह स्थिति कैसी धूमिल पड़ गई जब देश के भीतर में अस्पताल नहीं, बेड नहीं, इलाज नहीं, तो वह 5 लाख किसको मिलेगा? तो इसका मतलब है वो ऐलान भी सिर्फ हवा में था, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन हम ऐलान दर ऐलान करने से चूक नहीं रहे थे। जो पेंशन निकालने वाले लोग हैं उसमें 40% लोग वो हैं जो इस देश के 3 राज्यों से आते हैं, और ये 3 राज्य इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पर देश में पहचाने जाते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। कितनी बड़ी तादाद में यहां से पैसा निकाला गया, अगर उसको आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो महाराष्ट्र से तकरीबन 10,000 करोड़ इस दौर में इधर निकाला गया, इससे पहले जो था 7,837 करोड़ रुपए। तमिलनाडु से पहले दौर में लगभग 5,743 करोड़ था, दूसरे दौर में भी लगभग इतनी ही रकम है। कर्नाटक के भीतर में
ये कर्नाटक का आंकड़ा था 5743 करोड़, तमिलनाडु का जो आंकड़ा है वो 4984 करोड़ रुपए पहली वेव में निकाला गया था और लगभग 3000 करोड़ रुपए दूसरी वेव में निकाला जा चुका है। यानी ओवरऑल जो भी भविष्य निधि का पैसा रखे हुए था उसको आज की तारीख में पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए। अब यहां पर दूसरा सवाल है, अगर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों को मिला दीजिएगा, सिर्फ 2020 में 8,60,00,000 नौकरियां गई हैं, सिर्फ 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके पास नौकरी थी परमानेंट के तौर पर थी, और इन्हीं 8,60,00,000 में से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भविष्य निधि का खाता अपना बंद करके पैसा निकाल लिया। बेफिक्र है सरकार, वो ऑफ करना जानती है, ऑन करना नहीं जानती है। उसके पास ऑन का स्विच नहीं है तो गड्ढे खुदते चले जाएं, गड्ढे भरेंगे कैसे यह नहीं पता है। सिर्फ अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा पिछले साल 2,10,00,000 लोगों की जॉब गई, जो CMIE का डाटा बताता है। इतनी भयावह स्थिति के भीतर में भी इस देश का अब अनूठा सच सबसे बड़ा यह है कि बैंकों के भीतर का खोखलापन बनाने की परिस्थिति अभी भी जारी है। मसलन इस एक बरस के भीतर में, जो 2020 का जो कोविड काल था, बैंक ऑफ बड़ौदा की 1,283 शाखाएं बंद हो गई, SBI की 332 शाखाएं बंद हो गई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 124 शाखाएं बंद हो गई, कैनरा बैंक की 107 शाखाएं बंद हो गई, इंडियन ओवरसीज बैंक की 53 शाखाएं बंद हो गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 43 शाखाएं बंद हो गई। यानी लगातार जिन पे असर पड़ रहा है उसमें जो आय भी कम हो गई है, ये जो 22% का आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं कि इनकी आय कम हो गई, इनकी संख्या अगर आप करोड़ में एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो 18 करोड़ लोगों की आय इस दौर में कम होती चली गई, जो बैंक के साथ अपने धंधे को जोड़े हुए थे, पैसा वहां से भी निकाला जा रहा है। और इन सब के बीच में एक दूसरी परिस्थिति को जरा एक सेकंड के लिए खुश हो लीजिए कि जो विलय और अधिग्रहण था कॉरपोरेट के भीतर का, जिसमें सरकार पूरा सहयोग करती है, उस विलय और अधिग्रहण में 8% का इजाफा हो गया। आप कहेंगे 8% मतलब क्या निकाला जाए सिर्फ एक साल में? इस 2020 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब है लगभग $32 अरब, $32.8 अरब इस विलय और अधिग्रहण से कॉरपोरेट को 8% का लाभ हो गया। और जो विलफुल डिफॉल्टर थे बैंक के भीतर में, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनकी संख्या हमने आपसे जिक्र किया 12,917 थी और यह 2,44,602 करोड़ था। आप कहेंगे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताते हैं 3 साल पहले क्या स्थिति थी। मसलन 2017 में जो बैंकों से विलफुल डिफॉल्टर जो पैसा नहीं चुका पा रहे थे वह था 1,18,130 करोड़। 3 साल के भीतर में यह दुगना हो गया, यानी जो पैसा बैंक से ले चुके थे वो लौटा पाने की स्थिति में नहीं है। बैंक के सामने मुश्किल है कि वो करे तो क्या करे। और देखिए ईमानदारी बैंक की, SBI की भी ईमानदारी इसमें देखनी चाहिए, इसलिए देखनी चाहिए कि उसने क्या किया, इस दौर में जो लोग डिफॉल्टर हैं उनकी लिस्ट जारी नहीं की, नहीं बताया कि 100 करोड़ से ज्यादा किनों किनों ने पैसा डकार लिया इस देश के नागरिकों का। उन्होंने 2014 से पहले, यानी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब के डिफॉल्टर की लिस्ट पूरी जारी कर दी। उस डिफॉल्टर की लिस्ट में जानकारी आई कि उस समय लगभग 1,538 डिफॉल्टर थे 31 मार्च 2014 से पहले, और कुल रकम थी 53,806 करोड़। आज की तारीख में सिर्फ एक साल में क्या रकम है? लगभग 2,50,000 करोड़, 5 गुना ज्यादा है। लेकिन SBI उस दौर के डिफॉल्टर्स की लिस्ट को जारी कर रहा है, और उस वक्त भी जो लिस्ट आई थी, ऐसा नहीं है कि उस समय करप्शन नहीं था, लेकिन अब करप्शन का पैमाना चरम पर पहुंच गया। अब इकोनॉमी के दरवाजे जो हैं चरम पर जाकर बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम चीजों को ऑफ करना जानते हैं, ऑन करना नहीं जानते हैं। शायद इसीलिए जब लिस्ट में देखा गया कि किस किस प्रोफेशन के लोग थे, आयरन एंड स्टील से जुड़े हुए लोग, ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोग, टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोग और कंपनी दोनों,
जो ज्वेलरी बनाते हैं वो और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग, इनकी तादाद है। अगर इस दौर में आइएगा तो कुछ लिस्ट जो जारी की गई, जो आरबीआई के जरिए की गई, उसमें जैसे कुछ नाम आप लेंगे तो उसमें आएगा किंग फिशर एयरलाइंस का नाम भी आएगा जिसने 10,000 करोड़ रुपए लिया। स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप का भी नाम आएगा 15,600 करोड़। रिलायंस एग्रो लिमिटेड का भी नाम आएगा 3,871 करोड़। पिक्सन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी आएगा 3,000 करोड़। विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम आएगा 8,000 करोड़। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है ये दो चार नाम लेने से काम नहीं चलेगा और ये बताने से काम नहीं चलेगा कि इस देश के भीतर में ये कॉरपोरेट लूट कर चले गए। दरअसल ये मास लेवल पर है। इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यह देश सिर्फ अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को टैक्स में दायरे रखकर जीता है। बाकी जो 100 करोड़ का देश है उसको लेकर कोई चिंता नहीं, ना उसको वैक्सीन को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको बेड मिलता है या नहीं मिलता है, उसको नौकरी भी मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके पास जो रोजगार था मजदूरी का वह भी छिन गया तो क्या है। तो जब हमने आपसे जिक्र किया 41 करोड़ लोगों पर सीधा असर असंगठित क्षेत्र के पड़ा, तो इसमें से 41 करोड़ का मतलब ये है इसमें से लगभग 10 से 12 करोड़ लोग लौटे थे पहली वेव के दौरान, जो प्रवासी मजदूर का जब हम जिक्र कर रहे थे। आज की दौर में उन पर सीधा असर, क्योंकि गांव में भी काम नहीं है और ये पूरा का पूरा वेव टू जो है गांव को भी अपने भीतर समेट चुका है। तो हर को पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कहां से आएगा। सरकार 2 महीने का 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल पर आकर टिक गई है। तो ऐसे में हमको लगता है कि सरकार ने इसी दौर में आईडीबीआई को बेचने की पेशकश भी की, उसको भी कैबिनेट में ले आई कि आईडीबीआई का जो परसेंटेज है लगभग 45% गवर्नमेंट के पास है, लगभग 49% एलआईसी के पास है, एलआईसी भी गवर्नमेंट की है। तो पैसा कैसे रोटेट किया जाता है, अब उसको एलआईसी ही उसमें कुछ पैसा लगा रही है कि उसका पड़ जाए, तो गवर्नमेंट अपने शेयर कम कर रही है। अगर जो भी संस्थान जो पब्लिक सेक्टर का संस्थान होता है वो जब लाभ में होता है तो उसके पैसे को कैसे डाइवर्ट करना है, वो कोई भी हो सकता है, वो एनटीपीसी भी हो सकता है, वो एलआईसी भी हो सकता है। जहां पर भी जनता का भी पैसा, जो एलआईसी में जनता का भी पैसा लगा हुआ है, उसको भी कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है। यानी इस देश के भीतर जो लोग संभालते हैं पूरे सिस्टम को, वह तो बार बार फेल हुए हैं 7 साल के दौरान, चाहे वो नीति आयोग अपने तौर पर हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, या इस देश के जो ब्यूरोक्रेट हो। लेकिन आपने ध्यान दिया, किसी को भी बदला गया, किसी को नहीं बदला गया इस दौर में। जबकि कोई बच्चा जब बार बार फेल करता है तो उसको वो काम सौंपा नहीं जाता है, किसी दूसरे को सौंपा जाता है। लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में इस दौर में आपने देखा होगा, जब पूरी स्टेट और सरकार और किस तरीके से सिस्टम जब फेल नजर आ रहा है तो भी कोई उंगली नहीं उठा रहा है कि फला अधिकारी ने गड़बड़ की, क्योंकि निर्णय पिरामिड की तर्ज पर लिए जा रहे हैं और पीएमओ अपने तर्ज पर काम कर रहा है। तो फेल जिसको भी कहेंगे इसका मतलब है वो निर्णय ले रहा था क्या। इसीलिए इस देश के हेल्थ मिनिस्टर फेल नहीं है, इसीलिए इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर फेल नहीं है, और इस देश के प्राइम मिनिस्टर तो फेल हो नहीं सकते। तो ये सारी परिस्थितियां एक साथ अगर आप जोड़ना शुरू कीजिएगा, तो आईडीबीआई को जब कैबिनेट में रखा गया तो उसके साथ एक पर्चा भी आरबीआई का निकल के आया कि अब आईडीबीआई को बेच रहे हैं। तो 2014 से यानी मौजूदा मोदी सत्ता के दौर में कितना लोन आईडीबीआई का ही रिटर्न ऑफ किया गया, 45,693 करोड़ रुपए इस 6 साल के भीतर में रिटर्न ऑफ लोन कर दिया गया। दूसरा सवाल आता है, ये बैंक ने रिकवरी कितनी की। आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ 3,704 करोड़ की रिकवरी हुई है और 45,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। और यही फेरिस्त कमोवेश हर बैंक की है। सबसे महत्वपूर्ण बैंक आपके दिमाग में जो भी आता है इस देश के भीतर में, जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया होगा, किस रूप में लिया है, कैसे लिया है, हमें लगता है कि इसमें हर चीज अगर देखना, जैसे पीएनबी का नाम आया था नीरव मोदी को लेकर, ऐसा नहीं है कि नीरव मोदी लोन लेकर भाग गया, फरार हो गया तो उसके बाद पीएनबी सुधर गया, ऐसा भी नहीं है। जैसे 2016-17 से लेकर 2019-20 इस 4 फाइनेंशियल ईयर में पीएनबी ने जो रिटर्न ऑफ उसको जो किया गया वो 44,000 करोड़ का है। यानी नीरव मोदी जो लेकर बना गया उससे कितने गुना ज्यादा है, 10,000 करोड़ मान लीजिए उधर का चक्कर था, ये 44,000 करोड़। यानी उसी रेशियो में लगातार अब भी लोन दिया जा रहा है। कोई भी बैंक उठाकर अगर आप देखेंगे, अगर पीएनबी का हमने आपसे जिक्र किया इस 2016-17 से 19-20 के बीच का, तो उसके बाद आपके दिमाग में तुरंत आएगा, जैसे एक इंडियन बैंक का बताते हैं। इंडियन बैंक ने सबसे कम
उसको रिटर्न ऑफ किया गया 4,792 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल है कि उसने रिकवरी कितनी की जो लोन दिया, सिर्फ 66 करोड़ रुपए, 1% रिकवरी की। ये अगर बैंकों की परिस्थिति है और इस परिस्थिति के मार्फत अगर ये बात खुले तौर पर सामने आती है कि इस देश का सबसे बड़ा बैंक SBI भी, अगर हमें लगता है कि आप अगर 8-9 साल का देखना चाहते हैं और फिर उसके बाद निकल कर आएगा कि सिर्फ इसी दौर का बताइए, 2016-17 से, हम दोनों स्थिति आपके सामने रखते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि इस देश में किस तरीके से बैंकों से जो पैसा उठाया जाता था उसके जरिए एक बिजनेस मॉडल खड़ा किया जाता था, वह परिस्थिति भी 2019 के पास ढह गई है। क्योंकि हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो गया, वहां पर आपने चीजें ऑफ कर दी है, क्योंकि कामगार जो नौकरी पेशा करते थे, जब वो PF से पैसा निकाल रहे हैं और उनकी संख्या इन इंडस्ट्रियल स्टेट में काम करने वालों की लगभग 40-60% तक है, तो इसका मतलब है संकट बहुत ज्यादा गहरा रहा है। शायद इसीलिए एक सवाल हर के जहन में आएगा, SBI में 2012 से 2020 तक 1,23,432 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ किया गया, लेकिन अगर उसको सिर्फ कम करके 2014-15 से एनालिसिस शुरू कीजिएगा तो आपके सामने डाटा जो निकल कर आएगा, पता चलेगा कि 1,00,000 करोड़ तो इधर का है, मनमोहन सिंह के काल का 23,000 करोड़ उसको जोड़ा दिया गया। यानी जिस वक्त इस देश के भीतर में संकट इस बात को लेकर था कि वैक्सीन नहीं है, लॉकडाउन करें या नहीं करें, अस्पताल में बेड नहीं है, उस वक्त जब हम आपसे 2-3 जानकारी शेयर कर रहे हैं कि भारत के भीतर में आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति, राजनीति को छोड़ दीजिए, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां इससे बदतर, इससे पहले उस समय भी नहीं थी जब इस देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था, तो फिर आप समझिए, या फिर उस वक्त भी नहीं थी जब विभाजन के ऐलान के साथ भारत के सामने संकट था कि वह पाई पाई को मोहताज था, खेती इतनी नहीं थी कि इस देश का पेट भरा जा सके, उससे भी बदतर स्थिति उस दौर में जो जनसंख्या थी भारत की 1947 में वो 31 करोड़ थी, और आज 41 करोड़ लोग के सामने सीधा बड़ा संकट है, 2 जून की रोटी का, इलाज का, जिंदगी और मौत के बीच में चलते हुए कैसे बच जाएं इसका। और जो नौकरी कर रहे थे उनकी संख्या अगर 10 से 11 करोड़ की ऐसी है कि किसी भी हालत में कहीं से कर्ज मिल जाए, कहीं से अपना पैसा निकाल लें, तो इसका मतलब है ये खतरे की घंटी हो या ना हो। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के बाद भी क्या स्थिति इस देश की सुधर पाएगी, क्योंकि अभी भी 3 बरस के भीतर में कैसे इकोनॉमी और डामाडोल होगी, कोई स्थिति को सच्चाई के साथ सरकार ना स्वीकारने को तैयार है, ना सरकार अपनी आलोचना को सहने को तैयार है, ना वापस पटरी पर कैसे लौटा जाए इसको लेकर कोई विजन काम कर रहा है। और आखिरी बात, इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट भी जो कमेटी बनाई, जो उसने डॉक्टरों की कमेटी बनाई, एक बात हर जहन में होनी चाहिए, इस देश के भीतर क्या 1950 के बाद से कोई इंटेलेक्चुअल पैदा ही नहीं हुआ है या किसी ने पढ़ाई नहीं की है? सारी पुरानी पीढ़ी के डॉक्टरों को जो कि मालिकान के तौर पर मौजूद हैं और मेडिकल सर्विस को किसी कॉरपोरेट की तर्ज पर चलाते हैं, उन्हें क्या पता है कि इलाज कैसे, घर का सिलेंडर नहीं उठाया होगा वह इस देश के भीतर में ऑक्सीजन के सिलेंडर के बांटने और कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बढ़ जाए इसका जिक्र करेंगे? जी नहीं, सरकार को सोचना होगा, क्योंकि यह देश तो सबका है, और समझना होगा कि अब किन हाथों में इस देश को संभालने की परिस्थितियों के साथ कमिटी दर कमिटी बनाकर भी काम सौंपा जाए। यह कैसे संभव है कि एक डॉक्टर निर्भया कांड में भी कमिटी में रहता है जो बनाई जाती है सरकार द्वारा, और वही डॉक्टर इस दौर में आकर ऑक्सीजन कैसे बटे और कैसे मेडिसिन और अस्पतालों की स्थिति सुधरे और भविष्य में ना हो, वह भी इस कमिटी में रहता है। एक ऐसी परिस्थिति है इस देश के भीतर में जहां पर दिवालियापन इस रूप में हावी है कि अगर हम दिवालिया अपने आप को घोषित नहीं करेंगे मानसिक तौर पर, तो हम सरकार और सत्ता के करीब नहीं होंगे। यह स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।